हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज के वीडियो के लिए मैंने सोचा थोड़ा क्यू एंड ए करते हैं, थोड़ा आपस में बातें करते हैं। प्लस मैं व्लॉग शूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि आरवी रा मैं अभी भी बीमार है, बहुत गंदा इन्फेक्शन फैला हुआ है। आरवी की क्लास में ऑलमोस्ट सारे बच्चों को है, सारे बच्चों को एक एक हफ्ता लग रहा है खराब होने में, तब ठीक होने में बेसिकली, एंड बहुत बच्चे रिलैप्स कर रहे हैं। तो आरवी का कफ भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं डिबेट कर रही हूँ कि होम्योपैथी ट्राई करूँ या नहीं, प्लस मेरी भी तबीयत ख़राब है। इट्स लाइक सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। बट मैंने आप लोगों से पूछा था, अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस है मेरे लिए तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे, मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। लेट मी गेट डाउन टू योर क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है अंकिता ऋषि से, हाउ इज द वेट लॉस गोइंग, कितना लूज हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारी वेइंग मशीन खराब हो गई है तो मुझे पता ही नहीं मेरा वेट लॉस कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। प्लस एक हफ्ते के लिए मैं आरवीर, क्योंकि जब से आरवीर बीमार पड़ा है मैं नहीं जा पाई थी जिम, क्योंकि फिर आरवीर घर पर था ऑब्वियसली। मैं इनकेस यू डोंट नो, मैं जिम तब जाती हूँ जब आरवीर स्कूल जाता है, तो वो जो दो घंटे मेरे पास होते हैं उसमें मैं जिम जाती हूँ। तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने ऑर्डर कर दिए और पैकेट एक्चुअली आया हुआ है, रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पे, मुझे बस खोलना है। न्यू मशीन आ गया तब पता चलेगा कि वेट लॉस हुआ है या गेन ही हुआ है, क्योंकि एक हफ्ता तो गई नहीं। मीनल जे कोठारी आस, हाउ हैज़ योर यूट्यूब जर्नी बीन, हैव यू एवर हैड अ हाई और लो पॉइंट इन दिस जर्नी। माई यूट्यूब जर्नी सो फार इज आई थिंक गुड ओनली। मैंने पर्सनली अपने चैनल में बहुत चेंजेस किए हैं। आई स्टार्ट विद कॉमेडी, फिर वो मॉमी व्लॉग्स हुआ इंग्लिश में, ना वो हिंदी में मॉमी व्लॉग्स एंड मॉमी चैनल बन गया हिंदी इंग्लिश। तो अप्स एंड डाउन इस टर्म्स में है कि मेरा कंटेंट बहुत चेंज होता रहता है। बट जब मैंने चैनल इनिशियली बनाया था, मैंने यही सोच के बनाया था कि दिस चैनल वुड बी हु आई एम, एंड मैं एक चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, मुझे ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे मल्टीपल स्टफ चाहिए होता है। एंड अगर आप नोटिस करो मेरा चैनल भी काइंड ऑफ मतलब हर थोड़े दिनों में कुछ कुछ अलग 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 चीज़ें होती रहती है। सो आई थिंक माई जर्नी इज़ बीन गुड, एटलीस्ट मुझे अच्छी लग रही है अपनी जर्नी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रितु मित्तल, शी आस्क्ड विद अ 2-4 year old किड एंड अ फुल फैमिली, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड पेशेंस। माई चाइल्ड इज एक्चुअली 2.5 नॉट 4, फुल फैमिली तो है ही। आई थिंक मेरे थिंग इज कि आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्प। मेरी मदर इन लॉ मेजॉरिटी ऑफ द हाउस वर्क में वो मैनेज करती हैं। आई हैव अ हाउस हेल्प जो झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब देखता है, बर्तन वर्तन एंड ऑल। कुकिंग मेजर कुकिंग मेरी मदर इन लॉ करती है, माइनर कुकिंग लाइक आरवी का खाना वाना या ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में कुछ बना देना वो सब मैं देखती हूँ, कभी कभी डिनर देख लेती हूँ, बट मेजॉरिटी वो करती है। तो आई थिंक वो बैलेंस आउट कर जाता है बिकॉज वी वर्क वेल एज अ फैमिली। सिमरन आस्क्ड व्हेन इज द आरजीवी लव टी शर्ट्स कमिंग आउट। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को टीज किया था आरजीवी लव मर्चेंडाइज से, विच वॉज बेसिकली जस्ट अ टी शर्ट, बट मैं उसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाना चाहती हूँ, तो फिर अभी आएंगी। आई एम एक्साइटेड, आई नो लाइक मुझे बहुत लोगों ने बोला था इतनी तुम्हारी बड़ी फॉलोइंग नहीं है कि तुम्हें मर्चेंडाइज निकालना है। इट इज़ नॉट फॉर, अगर मेरे पास लाइक ऐसे माइंड, मेरे माइंड में ये होता ना कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने इस मर्चेंडाइज से, तो मैं वेट करती कि नहीं पहले फॉलोइंग बढ़ने, तो ऐसी कोई बात नहीं है। द ओनली रीज़न मुझे मर्चेंडाइज निकालनी थी वॉज बिकॉज आई वॉज लाइक, अगर मैंने ये टी शर्ट पहनी है और आपने ये टी शर्ट पहनी है और हमने सेम टी शर्ट पहनी है, इट विल बी लाइक वी सिस्टर्स राइट। एंड मेरे चैनल में मुझे तो यही लगता है कि तुम लोग, यू गाइज आर लाइक माई फ्रेंड्स माई फैमिली, तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट कि वी विल हैव समथिंग दैट्स कॉमन बिटवीन द टू ऑफ अस। सो वो रीज़न है मर्चेंडाइज का, आएगी अभी वेट करो। क्यूट जे बी आस, वाई आर यू सो क्यूट, आई यूज शी 13 or 8 hours, डू यू फाइंड योर लव आफ्टर योर बेबीज बर्थ बिकॉज इट्स सीन नाउ फ्रॉम योर हस्बैंड टू यू वाइस वर्सा। आई थिंक माई हस्बैंड एंड मी वर इन लव बिफोर द बेबी एंड वी आर ऑल्सो स्टिल इन लव, द टाइप ऑफ लव आई गेस हैज चेंज नाउ, काफ़ी ऐसे मेच्योर वाला है दैट इवन इफ वी डोंट टॉक फॉर लाइक इवन अ फुल डे और कपल ऑफ डेज, इट डजेंट लाइक द लव डजेंट चेंज। जबकि आई थिंक बिफोर द बेबी इट वॉज लाइक एक दो घंटे में बात नहीं हुई तो यू नो यू डोंट लव मी एनी मोर टाइप, तो आई थिंक उस सेंस में मेच्योर हो गया बहुत ज़्यादा लव, बट इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड नॉट डिक्रीज्ड।
दीपा शर्मा आज आर जी वी स्नैक लिस्ट प्लीज इतना आपने मुझे शायद एक डीएम में भी ये पूछा था मैंने एक मेरे एक वीडियो में वो स्नैक लिस्ट मेंशन है आई एम गोइंग टू ट्राई एंड लिंक इट अलीशा जैन 750 आवर्स प्लीज कैन यू शेयर हाउ टू प्लान अ होल वीक एक्टिविटीज फॉर 2 year ओल्ड बॉय दिस इज अगेन आई थिंक अ वीडियो ऑन इट्स ओन लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू डू अ वीडियो जिसमें मैं पूरी लाइक पूरे हफ्ते की एक्टिविटीज़ आपको बताऊँ 2 year ओल्ड के लिए क्विकली ताकि जब तक मैं वो वीडियो करती हूँ तब तक आपको थोड़ा आइडिया लग जाए आप एक काम कीजिए आप पहले तो एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बना लीजिए सिर्फ कि क्या क्या मेरा बच्चा कर सकता है और क्या क्या नई चीज़ मैं उसे सिखाना चाहती हूँ एंड देन आउट ऑफ दैट एक्टिविटी जस्ट मंडे ट्यूजडे वेंसडे में वो डिवाइड कर लो सिंपल बाकी इंस्टाग्राम पे आई हैव दिस टॉडलर एक्टिविटी टैब हाईलाइट में आई शो यू गाइस ये देखो ये मेरा इंस्टाग्राम है फोकस करो कैमरा ये जो टैब्स है इसमें एक है टॉडलर एक्टिविटी करके इस टैब में इफ यू गो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने बच्चे के साथ तो इन केस यू लाइक कि मैं करूँगी अपने बच्चे के साथ तो आप लिस्ट देख सकते हो अदरवाइज इफ यू गाइज वॉन्ट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट नौशीन आज करंट वेट एंड आई थिंक ये क्वेश्चन एक दो और लोगों ने भी पूछा है वेरी ऑनेस्टली आई एम एम्बेरस्ड एट द वेट दैट आई एम राइट नाउ मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने इतना कैसे बढ़ने दिया अपना वेट वाई डिड आई नॉट ट्राई एंड कंट्रोल इट अर्लियर तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी बट आई डू प्रॉमिस दैट एक बार मेरा 10 kilo वेट कम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने जर्नी किस वेट से स्टार्ट की थी कि मेरा अभी जो वेट है वो क्या था एंड आई गेस इससे आपको आइडिया लग जाएगा अगर मुझे 10 kilo कम करना है तो मेरा ऑलरेडी कितना बड़ा हुआ होगा एंड ऑनेस्टली मुझे 10 kilo से ज़्यादा कम करना है बट आफ्टर आई लूज 10 kgs आई टेल यू द वेट आई स्टार्टेड एट आशी खन्ना आस्क्ड हाउ डू यू मैनेज आरजीवी वर्क एंड फैमिली ऑल टुगेदर कूडोज फॉर यू फॉर बींग अ स्ट्रॉन्ग इंडियन मदर आई लव बींग अ मदर सो आई थिंक मैनेजिंग आरजीवी इज सिंपल आई लव द वर्क दैट आई डू एंड जो भी टाइम मुझे ऑफ ऑफ आरजीवी मिलता है वो मैं इस यूट्यूब में डालती हूँ अपने वर्क में डालती हूँ एंड आई थिंक ये मैंने बहुत बार बोला है दैट इफ़ यू लव समथिंग यू विल फाइंड टाइम फॉर इट एज फॉर मैनेजिंग द फैमिली जैसे मैंने पहले बोला आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्प सो दैट ऑब्वियसली वो काइंड ऑफ सॉर्ट आउट अपने आप हो जाता है एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू स्टेइंग विद अ जॉइंट फैमिली एंड योर फैमिली वर्क्स टुगेदर ज्योत्सा आस्क्ड हाय रोली प्लीज सजेस्ट हाउ टू लिमिट स्क्रीन टाइम फॉर किड्स माय नेफ्यू इज कम्प्लीटली हुक्ड ऑन टू इट्स प्लीज हेल्प आई थिंक द ओनली वे टू कंट्रोल स्क्रीन टाइम फॉर किड्स इज टू स्टॉप लाइक बच्चा अपने आप तो ऐसे टीवी ऑन नहीं कर लेगा अपने आप तो मोबाइल ले नहीं लेगा आई नो बच्चे ले लेते हैं बट एक्सेसिबल तो अपने आप नहीं होगा ना अगर आप रिमोट ऊंची जगह पर रख दो तो बच्चा तो नहीं पहुंच सकता ना वहाँ पर अगर बच्चा रो के जिद करके ले रहा है तो दे तो आप ही रहे हो बच्चा तो नहीं दे रहा ना बच्चे तो हर चीज़ के लिए जिद करते हैं मेरा सिंपल सी चीज़ है जब लोग मुझे कहते हैं ना नहीं यार कभी कभी स्क्रीन टाइम देना पड़ता है क्योंकि बच्चे जिद करते हैं यार फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर बच्चे तो कूड़ा खाने के लिए भी जिद करते हैं जमीन पे कॉकरोच जा रहा होगा ना बच्चा उस जिद करेगा मुझे वो खाना है बच्चा डस्टबिन में पड़ा हुआ उसका कोई टॉय गलती से डस्टबिन में गिर जाएगा वो बोलेगा नहीं मैं उसमें डस्टबिन में घुस के वो टॉय उठाऊंगा क्या फिर भी उसकी जिद मानोगे नहीं ना मुझे पता है कि आर्यवीर कॉफ़ी भी मांगती थी मैं कॉफ़ी पीती हूँ बोलता है मैं भी पीऊँगा बट उसको पता है मैं नहीं बोलूँगी तो मैं नहीं बोलूँगी देर इज़ नो अदर वे आउट फॉर हिम एक बार होएगा दो बार होएगा तीसरी बार वो समझ जाएगा मम्मा ने नहीं बोला तो नहीं बोला अब अगर आपने स्क्रीन टाइम ऑलरेडी अलाउ कर दिया है जैसे आर्यवीर को अब मैं स्क्रीन टाइम देती हूँ फॉर 1 hour ही कैन वॉच टीवी और कार्टून और वट एवर इन द इवनिंग उसको पता है इट विल बी एट 5 o'clock उसको पता है 6 o'clock टीवी बंद पहले मैं उसको 20 minutes का देती थी अब वो टाइम थोड़ा इंक्रीज कर दिया है जनरली अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए किया है मैंने इंस्टेड ऑफ उसके पीस ऑफ माइंड के लिए बट उसके अलावा पूरे दिन में उसको और कोई स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है सो आई थिंक द लिमिट आई डोंट नो वॉट एज या नेफ्यू इज क्योंकि आपने वो मैंशन नहीं किया अगर वो 2 year एंड बिलो है कम्प्लीटली स्टॉप स्क्रीन टाइम आई डू नॉट रिकमेंड स्क्रीन टाइम एट ऑल फॉर अ किड हु इज बिलो 2 years old अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है 20 minutes इज वॉट इज गुड उससे ज़्यादा नहीं पर्सनली मैं उसको 1 hour स्क्रीन टाइम दे रही हूँ जिसमें 1 hour से भी मतलब आप समझ लो 45 minutes काइंड ऑफ हो जाता है वो भी अभी एक हफ्ते से शुरू है जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है क्योंकि जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है बहुत इरीटेटेड रहता है
तो लाइक अपने मेंटल टेंशन के लिए ना मैं उसको बोल देती हूँ तुम एक घंटा चुपचाप बैठे रहो बस. बट हाँ, उसकी तबीयत जब बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो जाएगी देन आई एम प्रीटी श्योर मैं वो वापस आधा घंटा या 20 मिनट्स कर दूंगी. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका बच्चा समझता है, आपके नेफ्यू के क्या एज है. आरिवीर के साथ मैंने क्या किया है, मैंने उसको बता दिया कि फाइव, मैंने उसको ऐसे टाइम समझाने लगे हो सो ही आइडेंटिफाइज नंबर्स. और नहीं भी करता है तो मैंने उसे लाइक दिखा के उसे आइडेंटिफाई कर दिया. तो उसे पता है 5 o'clock जैसे ही होंगे टीवी ऑन होगा, 6 o'clock जैसे ही होंगे टीवी ऑफ होगा. उसमें कुछ लड़ना ही नहीं है, तुम्हें रोना है तुम रो, तुम्हें चिड़चिड़ाना है तुम चिड़चिड़ाओ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तुम्हें गुस्सा आओ. उसमें कोई देर इज नो, मतलब इसमें कुछ उल्टा पुल्टा है ही नहीं. इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने बोला है कि 5 o'clock टीवी ऑन होगा तो 5 o'clock टीवी ऑन होना चाहिए. एज पेरेंट्स, एज अडल्ट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इवन अब आरिवीर अगर भूल जाता है ना कि या अच्छा कि 5 o'clock हो गया मुझे टीवी देखना है, वो भूल भी जाते हैं तो भी आई गो टू हिम एंड आई टेल हिम आरिवीर 5 o'clock हो गया आपको टीवी देखना है. तो ऑब्वियसली वो येस बोलता ही है. बट इट्स लाइक एज जब तक उस बच्चे को पता होगा कि अगर आपने बोला है 5 o'clock आप दिखाओगे और आप 100% उसे दिखाओगे, भले ही वो भूल जाए आप खुद जाके उसे याद दिला रहे हो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ, तो वो बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा कि जब एज इन वैन ज़रूरत है मम्मी दिखा देगी. एज पेरेंट्स, एज गार्जियंस, इट्स योर रिस्पॉन्स. आप लोग गड़बड़ करते हो, बच्चे गड़बड़ नहीं करते, बच्चे को इज्जत नहीं करते, आप उनकी इज्जत मानते हो. शुक्ला 12 आस्क्स अबाउट योर स्टडीज, आई एम एन एफ ग्रेजुएट, निफ्ट बॉम्बे से किया है मैंने फैशन डिज़ाइन. अगर आपको मेरी निफ्ट की जर्नी के बारे में लाइक थोड़ा बहुत जानना है तो एक वीडियो है, आई लिंक दैट इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट. स्नेहा आस्क्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरजीवी, आरजीवी इज माय नेम, दैट्स रोली गौर वशिष्ठ. रूपाली आस्क्स हाउ डू यू कीप काम, आप लोगों ने मुझे मेनली काम देखा है बट आई एम नॉट ऑलवेज काम, आई हैव अ वेराइटी ऑफ इमोशंस, मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है. बट हाँ, आरजीवी के मामले में आई डू टेंड टू रिमेन एक्सट्रीमली काम. उसके जब आरिवीर इन्वॉल्व होता है ना किसी भी चीज़ में तो मैं मैक्सिमम टाइम इन काम ही होती हूँ. लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे पता है छोटे बच्चों के ऊपर काफ़ी लोग बहुत जल्दी गुस्सा लूज कर देते हैं एंड वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. तो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. तान्या आस्क्स हाउ डू यू मैनेज टू मेक आरिवीर स्लीप ऑन टाइम फ्रॉम द डे ही स्टार्टेड हिज प्री स्कूल. सो आरिवीर अगेन, जैसे मैंने आपको स्क्रीन टाइम का बताया, आरिवीर नोज कि अगर 8 o'clock है तो इट्स नाइट टाइम. मैं उसको अपने रूम में ले जाती हूँ, वो सोए तो ठीक है, वो ना सोए तो ठीक है. आजकल दिक्कत आ रही है, आजकल वो मैं 8 बजे भी ले जाती हूँ तो भी 12 बजे तक कभी कभी नहीं सोता है. बट इट्स द शेड्यूल दैट मैटर्स. तो 8 बजे जाना ही है, 8 बजे जाना ही. जब उसकी तबीयत ख़राब होती है वो 8 बजे सो जाता है. तो ये उनके माइंड में उनके आप डालते रहो लगातार कि नहीं यही टाइम है. सो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम. भले ही बच्चा जाके ना सोए, भले ही बच्चा बेडरूम में जाके सोए ना, रोता रहे, बातें करता रहे इधर से उधर, कुछ ना कुछ आप उसको बातों में स्लीपी करो, लाइट्स ऑफ कर दो, स्टोरीज सुनाओ. कभी कभी 1-2 घंटे मैंने लगातार स्टोरीज सुनाई आरिवी को. बट इन हिज फॉर हिज लाइक फॉर द लॉन्ग रन इट इज़ बेटर कि उसे पता हो कि नहीं, अगर सोने का टाइम है तो अब सोने का टाइम है, अब नहीं जाना बाहर. तेजश्री आज, हाई डू यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर क्लासमेट्स हु आर नाउ वर्किंग? आई यूज टू, वेरी ऑनेस्टली आई यूज टू, एंड दिस वॉज इज आई थिंक बिफोर आरिवीर हैपेंड. एंड मुझे उस टाइम काफ़ी बार लगता था बिकॉज आई गॉट मैरिड वेरी यंग, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी एंड मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स की, बैचमेट्स की शादी उस टाइम नहीं हुई थी. तो वेन एंड जब मेरी शादी हुई थी आई वॉज इन बिटवीन जॉब्स, तो मैंने काइंड ऑफ मेरा डिसीजन था कि मुझे अपना जॉब, क्योंकि दोनों जॉब्स के बीच में थी, मैंने कहा एक नया जॉब एक एंड एक नया लाइक पूरा न्यू एनवायरनमेंट, ये दोनों हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए. सो आई वॉज लाइक आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब एंड आई ट्राई माई हैंड ऑन बिजनेस एंड ऑन माई ओन ब्रांड एंड गेट मैरिड एंड गोइंग टू अ न्यू फैमिली. तो उस टाइम के अराउंड आई थिंक जब मैंने देखा फेसबुक पे लॉग इन करो और आपके फ्रेंड्स ऑफिस वर्क से लंदन पेरिस जा रहे हैं, बिकॉज मेरे कॉलेज फ्रेंड्स एंड ऑल वी आर ऑल फैशन डिजाइनर्स राइट, सो वी वर्क फॉर कंपनीज दैट हैव वर्क ट्रिप्स टू मिलान एंड लाइक यूरोप एंड दिस एंड दैट चाइना एंड यू नो लाइक एग्जॉटिक प्लेसेस. तो ऑब्वियसली जब आप लॉग इन करो तो आपको लगता है यार ये क्या गड़बड़ है. बट लुकिंग बैक नाउ आई थिंक आई एम बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल लाइफ.
अब वो लोग करियर में तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट दे हैवंट बीन एबल टू मैनेज देयर फैमिली लाइफ विद इट, क्योंकि यार सब लोगों को सब चीज़ नहीं मिलती है. वट एवर फेसबुक पे वो कितना भी अपने आप को दिखाए कि हम कितने अमेजिंग हैं, सब लोगों को सब चीज़ नहीं मिलती है. नाउ देयर काइंड ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैक कि वो अपनी फैमिली सेल्फ, कुछ लोग अभी तो शादी भी नहीं की काफ़ी लोगों ने, कुछ लोग अब शादी कर रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चे अभी अभी हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू सेटल इन देयर पर्सनल लाइफ नाउ. तो उस सेंस में मुझे लगता है कि यार मेरी पर्सनल लाइफ देखा जाए तो सेटल है, आई एम इन अ गुड फैमिली, आई हैव अ गुड हस्बैंड, आई हैव अ क्यूट लिटिल बेबी एंड आई एम स्टिल यंग. ऐसा नहीं है कि लाइक ठीक है आप इस साल तो मैं 30 हो गई, बट आई एम स्टिल यंग. काफ़ी लोगों की तो मेरे बैचमेट्स में से बहुत लोगों की शादियाँ 30 पे हुई हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ अब मेरी शादी की उम्र हो गई है. तो इट्स लाइक व्हेन आई कंपेयर, व्हेन आई यूज्ड टू कंपेयर, अब तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, व्हेन आई यूज्ड टू कंपेयर मुझे ये लगता था कि यू नो एंड ऑफ द डे ठीक है उनकी प्रोफेशनल लाइफ अभी सेटल होनी है, इवेंचुअली वो भी तो पर्सनल लाइफ सेटल करेंगे. अभी मेरी पर्सनल हो रही है तो मेरी पर्सनल हो जाएगी, मैं प्रोफेशनल लाइफ सेटल कर लूँगी. तो आई थिंक इट काइंड ऑफ वर्कड आउट इन दैट सेंस. तो अब इट डजेंट मैटर, प्लस आई थिंक आई हैव ग्रोन अप नाउ एंड अब मुझे लगता है कि सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सो देयर इज़ नो पॉइंट किसी से कंपेयर करने का. रुबेका आज वेट लॉस टिप्स, आई थिंक डाइट प्लस एक्सरसाइज इज द ओनली टिप आई कैन गिव एट द मोमेंट, क्योंकि वही मैं कर रही हूँ. दीक्षा आज व्हाट इज द बेस्ट थिंग एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ मॉमी यूट्यूबर, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेरे सारे मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं. लाइक मुझे ये लगता है कि मैंने और जल्दी क्यों नहीं स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स व्हेन आरजीवी वाज 5 months ओल्ड, तो जब से वो 5 महीने का है ना तब से लेके अभी टू एंड हाफ ईयर्स का, लाइक ऑलमोस्ट दिस 2 years की मेमोरीज है मेरे पास. द वर्स्ट थिंग अबाउट बींग अ मॉमी यूट्यूबर इज काफ़ी टाइम देयर इज दिस प्रेशर ऑफ कैप्चरिंग एवरीथिंग ऑन द कैमरा. काफ़ी बार जैसे जब मैं सोचती हूँ ना, मैं कभी कभी कुछ वीकेंड्स व्लॉग नहीं करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई टाइम विद माई फैमिली. एंड क्या होता है जब आपके साथ कैमरा होता है, व्लॉग होता है ना, तो कुछ अमेजिंग हो रहा होता है, आई भी कुछ फनी कहता है तो एकदम सोचते हैं अरे अरे कैमरा लाओ उसको रिकॉर्ड करते हैं. एंड इवन इफ मैं व्लॉग्स नहीं बना रही होती, आई नो दैट समथिंग वेरी नेचुरल फॉर अ मदर टू डू, रिकॉर्ड समथिंग विच इज़ फनी और यू नो एक्साइटिंग अबाउट द चाइल्ड, बट देन उस मोमेंट को आप एंजॉय नहीं कर पाते एंड आई थिंक दैट इज़ बैड. दत्ता श्रीजा सॉरी आई एम कांट प्रोनाउंस योर नेम, आस्क विच ब्रांड यू प्रेफर फॉर इंडियन वेयर. आई पर्सनली यूज टू लव बीबा एंड फैब इंडिया. पहले ऐसा फेज था कि 3-4 साल मैं सिर्फ फैब इंडिया पहनती थी, फिर 3-4 साल मैं सिर्फ बीबा पहनती थी. करेंटली मैं प्रोजेक्ट ईव पे गई थी, प्रोजेक्ट ईव के भी बड़े अच्छे कुर्ते एंड बड़ा अच्छा इंडियन वेयर है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट काफ़ी अच्छा है, वेस्ट साइड पे भी काफ़ी अच्छा है. निधि सेज डू यू एंड योर इन लॉज एवर फाइट, वी डोंट फाइट लाइक ऐसे कोई ऐसे मतलब ऐसे दुश्मनी वाली फाइट नहीं होती. देर आर डिसएग्रीमेंट्स विच आई थिंक आर नॉर्मल, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो आपको कुछ चीज़ सर्टन वे में पसंद है, आपको दूसरे को कुछ चीज़ सर्टन वे में पसंद है एंड आई थिंक इसे लड़ाई नहीं हुई है, जिस बीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो भी लाइक इतना कम हुआ है ना कि मुझे ऐसे मैं याद नहीं कर सकती कि कोई फाइट वाली फाइट नहीं थी. आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली ऐसी कोई भी फाइट नहीं हुई कि मुझे अपनी मम्मी को फ़ोन करना पड़े कि मम्मी मेरे इन लॉज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं. तो ऐसी वाली कोई फाइट नहीं हुई है, कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं हुआ है. आई थिंक मैक्सिमम फाइट अगर हुई होगी तो ये होगी कि खाने में नमक कम है या नमक ज़्यादा है. तो लाइक फाइट नहीं हुई है कभी भी. टच वुड कर लो यार तुम लोग भी. वीनो सेज हाउ टू मोटिवेट आवर सेल्फ फॉर डूइंग समथिंग और अचीविंग समथिंग इन लाइफ, आई थिंक इफ यू लव समथिंग यू विल बी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड टू डू इट. अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो अपने से कुछ करने में तो आप ट्रस्ट मी वो चीज़ ऐसी है नहीं जिसको आप प्यार करते हो. सो फाइंड समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली लव, आप अपने आप ही मोटिवेटेड. अब डार्लिंग स्टार आस्क व्हेन एंड हाउ डिड यू डिसाइड वाज दैट द राइट टाइम टू गेट मैरिड. टेक्निकली आई डिड नॉट डिसाइड इट वॉज द राइट टाइम टू गेट मैरिड, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी एंड आई वॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज. मैं आई थिंक 1 साल वर्क किया था उस टाइम, सो आई वॉज वॉट 23 एंड मेरे मॉम एंड डैड ने मुझसे ये बोला था कि रोली ढूंढने में टाइम लगता है, हम अभी से ढूंढना शुरू करेंगे, 4-5 साल लगेगा एंड तब तक कोई ना कोई मिल जाएगा, तब तक यू विल बी रेडी. सो लाइक ठीक है, लाइक आई एम 23 नाउ, 27-28 में शादी हो जाए, दैट्स लाइक अ गुड एज एंड तब तक मैं अपना करियर का भी कुछ कर लूँगी. मेरे मम्मी पापा ने जल्दी ढूंढ लिया, बट लुकिंग बैक आई थिंक नाउ आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन कि मैं जल्दी शादी हो गई, वो अच्छा रहा मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज आई हैव लाइक इन माई माइंड आई हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड फैमिली
मेरे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करियर से, विच आई थिंक इज परफेक्टली फाइन. देर आर मेनी गर्ल्स जिसके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैमिली से, विच इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन. सो आई थिंक आप डिसाइड करो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अगर मेरी पर्सनल लाइफ सेटल नहीं होती ना तो मैं प्रोफेशनली भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे वो टेंशन रहती है हमेशा. लाइक आई एम वेरी अनसेटल्ड अगर मेरी फैमिली सेटल्ड नहीं हो. अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो या मेरे फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो या मेरी फैमिली अगर खुश नहीं है ना तो मैं खुश नहीं रह सकती. दैट इज़ द पर्सन दैट आई एम. तो यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए आपकी एक पॉइंट आता है अराउंड योर 20s व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या करियर. यू टेक दैट डिसीजन. देर इज़ नो राइट आंसर इन दिस. करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुड फॉर यू. फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुड फॉर यू. दिस इज योर इंडिविजुअल डिसीजन. अगर आपको लगता है आपके लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रोफेशनली कुछ नहीं कर पाओगे जब तक पर्सनली सेटल नहीं हो गए, देन आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन मे बी गेटिंग मैरिड अर्लियर, या जो भी आपको लगता है कि फैमिली लाइफ सेटल करने में जो भी आपका माइंड है. मेरे माइंड में था कि शादी हो जाए, यू नो, जिस भी घर जाना है उस घर चली जाऊँ वाला सिस्टम. बट इफ यू थिंक कि नहीं, जब तक मेरा करियर नहीं बनता, जब तक आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, तब तक मैं फैमिली की तरफ या ऐसे शादी होने की तरफ नहीं देखना चाहती, आई थिंक गो फॉर इट. गो फॉर योर करियर, अचीव वॉट यू वॉन्ट टू. एंड सो देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर इन दिस. इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग कि आपको जो करना है आप देखो कि वट इज़ राइट फॉर यू. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक. आई नो बहुत सारे हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन. द लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक इज हाउ डू यू डील इफ एनीबडी बॉडी शेम्स. आई एम ऑफन अ विक्टिम ऑफ दिस. बॉडी शेमिंग इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है और वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है. आई नो दिस इज लाइक व्हाट रोली, बट हाँ आई नो इट हर्ट्स व्हेन समबडी कम्स अप टू यू एंड कॉल्स यू फैट एंड कॉल्स यू लाइक आई नो अगली और वट एवर, बट दिस इज वॉट दे थिंक ऑफ यू. एंड द ओनली वे इट विल अफेक्ट यू इज व्हेन यू लेट इट अफेक्ट. आई नो ये आई डोंट वॉन्ट टू बी फैंसी अबाउट दिस. मैं इसके बारे में पूरा इंटायर वीडियो बनाऊंगी, बट मैं भी आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. अगर आपको लगता है कि आप इस लाइफ, लाइक यार एक बार लाइफ मिल गया, ठीक है, आप ये जो लाइफ है आप पूरे टाइम आप ज़ीरो से शुरू हुए थे, आप लेट्स अज्यूम कि सब 90 तक जिएंगे, ठीक है, हम ज़ीरो से शुरू हुए, हमें 90 तक जाना है. अगर आप ज़ीरो से 30 पे, आई एम गोइंग टू अज्यूम आप मेरे एज के आसपास हो, आप ज़ीरो टू 30 में सिर्फ यही सोचते रहोगे यार दूसरे लोग मेरे से क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग मेरे को क्या कर रहे हैं, तो कितना हुआ, वन थर्ड ही हुआ ना, मैं कन्फ्यूज हो रही, लेट्स अज्यूम वन थर्ड हुआ, ठीक है, वन थर्ड ऑफ योर लाइफ आप बस यही जी रहे हो कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिडिटी इज दैट. फिर वो बॉडी शेमिंग नहीं हुआ, वो आपकी स्टूपिडिटी है. आप अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ, लेट्स नॉट इवन सेम 30, लेट्स अज्यूम आप 50 ईयर्स तक यही सोच रहे हो, 50 ईयर्स तक इस बारे में मैच्योरिंग नहीं हुआ है, आधी से ज़्यादा लाइफ आप अपनी सिर्फ यही सोचते रहोगे कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. क्यों, ये लाइफ फिर से तो मिलनी नहीं. वेदर और नॉट यू बिलीव इन आफ्टर लाइफ कि भाई हम फिर से जन्म लेंगे या नहीं, बट ये स्पेसिफिक लाइफ आपको फिर से तो मिलनी नहीं है, ये तो अभी है. अगर आप ये लाइफ वेस्ट कर दोगे यही सोचने में कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, हाउ आर यू गोइंग टू लिव योर बेस्ट लाइफ. मिली है यार एक बार जिंदगी, जी लो. बट इसके बारे में मैं आई नो, क्योंकि ये बहुत ही टची टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. फिलहाल आरी भी रुट गए हैं एंड मेरी बैटरी भी फ्लैश हो रही है एंड ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है. सो आई विल टॉक टू यू गाइस नेक्स्ट टाइम एंड आई टॉक टू यू गाइस ऑन मंडे. आई मेक वीडियोज ऑन मंडे, वेंसडे, फ्राइडे. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को बिग थम्स अप दे दो एंड आई सी यू गाइस सून. बाय.